Hi, I'm Michaela, and me and Kailash are traveling to Norfolk. Hey, Michaela, वो कुछ slippers purchase करनी है यहाँ से. तो ले लो यार यहाँ से. पानी भी भाई 50 सेलिंग प्राइस है यहाँ पानी. कहीं कहीं तो भाई साहब बाहर का देख के ना 100-100 सेलिंग पे पहुँचा देते हैं ये. और यहाँ पे अभी आम का सीजन चल रहा है भाई. How much? यहाँ पे भी इंडियन ब्रेकफास्ट ही मिल जाता है यार. ये देखो ये समोसा 800 के नए सीलिंग मांग रहे हैं भाई साहब. तो के नए सीलिंग में तो मैं 8 जोड़ी जूते खरीदूंगा यार. What's up guys, welcome back to the channel. You are watching the Indo Trekker. और अभी मैं हूँ नैरोबी, चेन्नई की राजधानी नैरोबी. कल जैसा आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं मार्सावित के लिए बस सर्च कर रहा था कि कौन सा बस जाता है. तो अभी मुझे मैं बस स्टैंड आ गया हूँ. यहाँ पे लिबान बस सर्विस है, वो मार्सावित के लिए जाती है. मार्सावित यहाँ से काफ़ी दूर है यार, लगभग 550 किलोमीटर दूर है. तो अभी हमारी बस यहाँ से मार्सावित के लिए मुझे फेयर लगा 1500 के नए सीलिंग, लगभग 1000 इंडियन रुपीज़, 550 किलोमीटर यहाँ से मार्सावित. तो अभी यहाँ से 8 बजे बस चलेगी और शाम को लगभग 7:30 बजे वहाँ पे हमें बस छोड़ देगी मार्सावित में. और ये यहाँ का बस स्टैंड भाई साहब, या बस स्टैंड के हालात देख लो कैसे हालात है. थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो जाता है. ये देखो सामने इस बस में जाना है हमें मार्सावित. तो अभी मैं थोड़ा सा, अभी तो 7 बजा है यार, 7:15 का टाइम हुआ है मॉर्निंग का. तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमें लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे मार्सावित के लिए. तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक वीडियो, कल वाला वीडियो था वो एडिट हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपलोड कर दूँ यहाँ बैठा बैठा. 1 घंटे में आराम से इजीली हो जाएगा. नैरोबी में इंटरनेट का स्पीड ठीक ठाक देता है नैरोबी, मतलब अच्छा खासा इंटरनेट का स्पीड आता है यहाँ पर. वीडियो फटाक से अपलोड हो जाता है यहाँ नैरोबी में. अभी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, देखता हूँ यदि करना हुआ तो. अभी वीडियो अपलोडिंग का काम हो गया पूरा और अभी टाइम हो गया यार लगभग 7:45 बजे के लगभग टाइम हो गया. बस चलने वाली है, हम लोग बस में बैठ गए. तो चलते हैं यहाँ से नैरोबी से मार्सावित का सफ़र दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा होने वाला है. तो बने रहिए सफ़र में मेरे साथ. अभी थोड़ी देर में बस स्टार्ट होने वाला है यहाँ से. सो गाइस, अभी यहाँ पे बस का स्टॉपेज है थोड़ा सा. ये सामने स्टॉपेज दिख रहा होगा आपको. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर अभी तो यार मार्सावित तो हम लोग 6 बजे पहुँचेंगे. 6 बजे बहुत पूरी रात ही हो जाएगी तब तक. और बीच में ननियू की एक जगह है, वहाँ पे ना एक स्विट्ज़रलैंड से एक लेडी है जो वो भी तुर्काना एरिया है ना, उसको घूमने जा रही है. तो मैंने तुर्काना एरिया, मुझे भी घूमना है अभी. तो मैंने काउचसर्फिंग ऐप पे मेरा ना ट्रिप अपडेट किया हुआ था कि मुझे कोई तुर्काना में होस्ट मिल जाए, लेकिन अभी तक मुझे कोई होस्ट मिला नहीं. और वो लेडी भी जो स्विट्ज़रलैंड से, वो भी तुर्काना घूमने जा रही है. तो उसने मुझे मैसेज किया है कि हम साथ में तुर्काना घूम सकते हैं. एक्चुअली मुझे तुर्काना में ना बोराना पीपल है, बोराना जो ट्राइब है या लोग है वो विज़िट करना है, और उस लेडी को भी वो विज़िट करना है. तो वो मुझे ननयुकी में मिलेगी अभी बीच में रास्ते में. तो अभी आपको मिलवाता हूँ उससे. उसका नाम क्या है, मिसेला. हाँ, मिसेला गरुबरा ऐसे ही है, मिसेला गरुबरा ऐसे ही है. तो अभी चलते हैं तुर्का. अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ खाऊंगा पीऊंगा यार. ये एक छोटा सा पहले से छोटा सा बस स्टॉपेज है, यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी है. तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर चलते हैं बस में. सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई साहब अभी तक. अभी यहाँ पे भाई साहब राइस, ये कोई चावल की प्लेट है यार, मैं दिखाता हूँ. इसका 150 बिल लिया इन्होंने मुझसे लगभग 100 रुपये. थोड़ा सा महंगा है केन्या में यार, महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे. पता नहीं क्यों इतना महंगा है, इतना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, फिर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे केन्या में देखा जाए. मैं कंपेयर करूँ इंडिया से तो ये था, यहाँ से लिया अभी मैंने ये. अच्छा कम से कम 2 घंटे हो गए यार यहाँ पे पुलिस वालों ने ना बस को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आए. मुझे तो एग्जैक्ट रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट रीज़न है क्या. अब उन सब पुलिस वालों को भाई साहब 20,000 के नए सीलिंग रिश्वत चाहिए. हद भाई साहब, ये पुलिस वाले ना बहुत हरामी होते हैं, बहुत हरामी होते हैं. मतलब जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करवाओ उससे यार, रिश्वत लेने से क्या होगा. अब वो जो मेरे वो स्विट्ज़रलैंड से जो फ्रेंड थी वो भी वहाँ
नैनू की एक जगह है वहाँ पे स्टेशन पे ऑलरेडी आ चुकी थी। अब मैंने उसे बोला यार तुम लोग निकल जाओ वहाँ से भी मटाटू जाता है, मटाटू कहते हैं छोटी जो अपने बोलेरो टाइप की गाड़ियाँ होती हैं उनको ये मटाटू बोलते हैं। तो मैंने बोला यार तुम मटाटू से निकल जाओ मार्सा बीट के लिए, हम लोग वहाँ मिल लेंगे, मार्सा बीट में मिल लेंगे और फिर वहाँ से तुर्काना साथ में चल देंगे। सॉरी तो ऐसा ऐसी कुछ कहानी है। अभी भी देखते हैं सब जो पैसेंजर थे उनको अंदर तो बिठा दिया लेकिन अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, शायद चलने वाली है यहाँ से। पूरे के पूरे 2 घंटे हो गए, 2 घंटे का मतलब है हम लोग 5 या 6 बजे पहुँचने वाले थे, अब 7-8 बजे पहुँचेंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा वहाँ, कहाँ होटल लेंगे, वहाँ कोई होस्ट भी नहीं है होस्ट करने वाला यार, वहाँ कोई होस्ट नहीं है। मैंने काउ सर्फिंग पे होस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं की, कोई मिला ही नहीं, मैंने सर्च किया कोई वहाँ था ही नहीं होस्ट। और यहाँ का पुलिस स्टेशन कुछ ऐसा होता है, पूरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए यार खाली फोकट। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए इसियोलो टाउन। इसियोलो टाउन वहां से आपको बता दूं यार केन्या से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और अभी शाम का टाइम हो गया यार लगभग 5 बज गए भाई साहब, 6 बजे वहां मार्सा बीट पहुंचने का टाइम था लेकिन वो पुलिस वालों ने बीच में रोक लिया। तो अभी तो हम आधी दूरी तय की है हम लोगों ने, अभी 250 किलोमीटर लगभग 200 किलोमीटर और है यहां से मार्सा बीट। तो देखते हैं यार कितने बजे पहुंचते हैं, भूख लग रही है भाई बड़ी जोरों से, ऐसे कुछ खाने पीने का ले लेता हूं पहले तो मैं, पानी तो ले लूँ यार यहां से, पानी भी भाई 50 शिलिंग प्राइस है यहां पानी की, 50 शिलिंग जोड़ लो यार, 1 इंडियन रुपीज बराबर है 1.5 केन्यान शिलिंग के, तो लगा लेना 50 शिलिंग का पानी का बोतल मिलता है यहां। और कहीं कहीं तो भाई साहब बाहर का देख के ना 100-100 शिलिंग पे पहुंचा देते हैं ये लोग, मतलब बाहर का देखा और मैं 2-3 जगह मैंने पानी नहीं लिया, मतलब 100 शिलिंग यार एक पानी की बोतल का बस। और यहाँ पे अभी आम का सीजन चल रहा है भाई, आम लेके जाऊँगा थोड़े बहुत खाने के लिए, बस में खा लूँगा, अभी तो 250 किलोमीटर चलना है मुझे, 250 किलोमीटर में 2-4 आम निपटा दूँगा, तब तक देखता हूँ पहले प्राइस करता हूँ क्या भाव आम का। हाउ मच? 20। भाई आम बहुत महंगे हैं, 100 रुपये ये 5 दे रहे हैं, तो मैं एक ही परचेज किया है, मैंने एक आम ही लिया है बस, पहले इसको टेस्ट करके देख लूँ कैसा लगता है, बाकी आम बाद में लूँगा मैं। भाई आंटी ने धोबी दिए आम को यार, कितने अच्छी आंटी है। बहुत रिमोट एरियाज होना शुरू हो गए भाई साहब, जहाँ देखो आसपास कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, केवल उजाड़ जंगल नियर बस यही दिखेगा, कुछ कुछ जगह छोटी छोटी बस ऐसे, मतलब क्या बताऊँ, छोटे से बस स्टैंड मान लो वहाँ पे 2-4 आपको शॉप्स मिल जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ मार्सा बीट की सुबह में आपका स्वागत है और अभी मैं मेरी फ्रेंड को देख रहा हूँ यार, वो जो स्विट्जरलैंड से मेरी फ्रेंड उसी को देख रहा हूँ, वो अभी हम लोग कल मिल नहीं पाए थे एक्चुअली, उसने अलग होटल में रूम लिया था और मैंने एक लॉज में रूम बुक किया था, तो अभी हम लोग मिलेंगे और फिर आज की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो भाई साहब अभी मार्सा बीट की गलियों में घूम रहा हूँ और जो वो मेरी फ्रेंड है वो मुझे दिख गई है, अभी मिलवाता हूँ आप लोगों को उनसे। तो अभी तो यहाँ पे भाई यांगालानी जाना है हमें, अभी तो यहाँ पे यांगालानी के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ही सर्च कर रहे हैं, यांगालानी डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन वो रात को जाता है, मतलब आधी रात को पहुँचाएगा, तो वहाँ पे ना अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है आधी रात को, थोड़ा सा रिस्की एरिया है। तो नॉर्थ और एक जगह है तो हम पहले हो सकता है वहाँ स्टे करेंगे, एक ऑफिस में तो हम पता कर ही आ गए, अब दूसरे ऑफिस में जाएंगे हम लोग पता करने। तो भाई हमें ना नॉर्थ होर जो लोय अंगालानी से थोड़ा सा पास में ही है, एक्चुअली लोय अंगालानी भी बस जाती है लेकिन वो ना यार मिड नाइट को वहाँ पे ड्रॉप करेगी, तो मिड नाइट में वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह फाइंड करना
बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जाएंगे नॉर्थ और, क्योंकि हमें बस जो लैंड क्रूजर जाएगी जो कि लगभग शाम को 5 बजे का टाइम बता रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 6 या 7 बजे वो हमें नॉर्थ और ड्रॉप कर देगी। तो उसके बाद नॉर्थ और के पास हम उस ट्राइब विजिट करेंगे एंड एक दिन वहाँ स्पेंड करेंगे और दूसरे दिन हम लोग लो यात्रा लाने के लिए निकल जाएंगे। और अभी मैं विकेला से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। विकेला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ माय ऑडियंस। हाय, आई एम विकेला एंड मी एंड कैलाश आर ट्रैवलिंग टू नॉर्थ फॉर टुडे। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं आज अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ। यहाँ पे भी इंडियन ब्रेकफास्ट ही मिल जाता है यार। ये देखो, ये समोसा और ये चपाती और ये चाय, पूरा इंडियन ब्रेकफास्ट है भाई साहब। तो अब यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। What? मिसे निकेला को कुछ स्लीपर्स परचेज करनी है यहाँ से। भाई साहब, ये जो स्लीपर है इनका ही प्राइस मांग रहे हैं 800 केनाई सिलिंग। 800 केनाई सिलिंग मांग रहे हैं भाई साहब। कितना 800 केनाई सिलिंग में तो मैं 8 जोड़ी जूते खरीदूंगा यार। इतना महंगाई है यार यहाँ पे केन्या में, समझ में नहीं आता लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे। पता नहीं हमसे ही ज़्यादा लूटते हैं या हकीकत में यहाँ के लोगों को भी इतना ही पे करना होता है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी वो मिसेला ना स्लीपर खरीद रही थी भाई साहब, उसको 800 केनाई सिलिंग बताता। 800 केनाई सिलिंग का मतलब हो गया लगभग 600 रुपये के लगभग, मतलब फुटपाथ पे रोड पे यदि 600 रुपये में चप्पल खरीदेंगे तो फिर तो हो गए भैया नयाल। और अभी मैं मेरी लॉज को जा रहा हूँ, लॉज जाने के बाद फिर हम लोग नॉर्थ और की तरफ जाएंगे। आज नॉर्थ और 2-3 ट्राइब्स है, वहाँ पे रहेंगे उनके साथ और आपको भी मिलवाऊंगा उन ट्राइब से। तो मिकेला और मैं आज हम 2-3 दिन हम लोग ये ट्राइब्स को विजिट करेंगे। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, नया वीडियो शुरू करूँगा यहाँ से मार्चा बीच से नॉर्थ और के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भी मेरा कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।